आज तक मैं यही सोचती रही कि ये इस दुनिया में नहीं रहे और ये हमसे दूर रहकर एक छोटी जिंदगी जीते रहे। एक बार भी इन्हें अपनी बीवी या अपनी बेटी का ख्याल तक किया है? ओह एक्चुअली कुंज, वो मैं अपने लाइंस भूल गई, आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, ट्विंकल माया की लाइंस पढ़ दो। माँ प्लीज मेरी बात सुनिए, हम पहले ही बहुत वक्त अकेले गवा चुके हैं। मैंने अपना पूरा बचपन अपने पापा के बगैर गुजारा है। प्लीज माँ, मुझे मेरे पापा बड़ी मुश्किल के बाद मिले हैं, प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए ताकि हमारा परिवार फिर से एक हो जाए और आपको भी आपकी खोई हुई खुशियाँ मिल जाएं। मुझे मेरी माँ और पापा दोनों चाहिए, मैं आप दोनों के बिना जी नहीं सकती। क्या बात है मिस अमृतसर, तू तो सच में एक्टिंग कर लेती है, वेरी नाइस। यार बस एक प्रॉब्लम आ रही है, एक लाइन है, समझ नहीं आ रहा कि कैसे लिखूं। कौन सी लाइन कुंज? जो बेटी अपने पिता से कहती है रिश्तों के ऊपर। कुंज ठीक समझो तो एक सजेशन दो। जी अंकल प्लीज। बेटी अपने पिता से कुछ ऐसा कह सकती है कि रिश्तों को निभाने के लिए जितना जरूरी प्यार और विश्वास होता है उतना ही जरूरी होता है सामने वाले को उसकी अहमियत का एहसास दिलाना, उसे ये बताना उसका हमारी जिंदगी में होना कितना जरूरी है, कितना खास है, वो हमारी जिंदगी में क्या मायने रखता है। थैंक यू, इससे अच्छी लाइन नहीं हो सकती। तो आई थिंक आज के लिए काफी हो गया, हम कॉलेज के लिए लेट भी हो रहे हैं, तो माँ मैं चलता हूँ। हाँ थैंक यू अंकल। कुंज उस रात वाली बात से मुझसे इतना नाराज है कि उसने मुझे डाइवोर्स देने के लिए सोच लिया है और मैं ये बात माँ को भी नहीं बता सकती। मुझे कुछ भी करके कुंज का दिल जीतना होगा। तुमने ठीक से पता किया चेरी? हाँ मम्मी जी, मैंने ठीक से पता लगाया है, कोई प्ले नहीं चल रहा है यहाँ पर। तू यहाँ क्या कर रही? तुम्हें ये टिफिन देने आई थी, अब ना मैं रोज घर से तुम्हारे लिए टिफिन लेके आऊंगी। तुम्हें कॉलेज की कैंटीन का खाना नहीं खाना चाहिए, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। ओह स्वीट, तबीयत मुझे तेरी खराब हो रही है ट्विंकल। सुबह से ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है बता? ऑल ओके? पता कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है 2016 से उठ के ना 1980s में पहुंचे हम, और मैं खेतों में काम करने वाला हीरो जो रोज खल चला के फसल उगाता है और उसकी बीवी रोज टाइम पे ना गर्मा गर्म खाना लेके आती है ऑन टाइम। तू भी ना, और कल से टिफिन आने की जरूरत नहीं है, मैं ले आऊंगा। ओके अब मेरी क्लास का टाइम हो गया है, तू जाना, मैं जाता हूं। क्या कुंज के कॉलेज में वाकई कोई प्ले हो रहा है? जी वो एक्ट भी कर रहा है और उस पे को डायरेक्ट भी कर रहा है। आर यू श्योर? यस। ट्विंकल बेटा बुरा मत मानना, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारी बातें सुन के ना ऐसा लगता है जैसे तुम कभी कॉलेज गई नहीं। मेरा मतलब है अजीब नहीं लगता सुन के कि कोई कॉलेज अभी अभी शुरू हुआ हो और फर्स्ट टर्म में कोई प्ले वे उसमें शुरू हो जाए? इट्स वेरी वियर्ड, ऐसा कोई कॉलेज मैंने तो देखा नहीं। अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है तो कुंज के कॉलेज से मैं तुम्हें पक्का कंफर्मेशन दिलवा देती हूँ। फोन लगाते हैं तब तो तुम्हें यकीन हो ही जाएगा, तुम कॉलेज में खुद बात कर देना। कुंज तो अपने आप ही आ गया, अब तो कॉल करने की जरूरत ही नहीं, इसी से पूछ लेते हैं। कुंज, ट्विंकल मुझे बता रही थी कि तुम अपने कॉलेज में कोई प्ले कर रहे हो जिसकी तुम रिहर्सल के लिए गए हुए थे। ऐसा कौन सा कॉलेज है जो कॉलेज शुरू होते ही कॉलेज फेस्ट अरेंज करवाता है, प्लेस भी ऑर्गेनाइज करवा देता है? झूठ सा नहीं लगता सुनने में? तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी पत्नी से इतना बड़ा झूठ बोलते हुए? हाउ स्वीट अनीता आंटी, मतलब मैं बता नहीं सकता आपको कितनी खुशी हो रही है मुझे ये सोच के कि कितनी फिक्र है आपको मेरी और ट्विंकल की। वैसे आपको मेरे कॉलेज की बड़ी नॉलेज है, बड़ी इन्फॉर्मेशन है, मतलब वहाँ भी जासूस छुड़े हुए हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन है इस बार गलत, सॉरी। माया जरा फ्लायर देना। थैंक यू। ये देख रही हैं आप कॉलेज का पहला फेस्ट, ये हमारा प्ले, और ये नीचे देख रही हैं आप प्रिंसिपल के सिग्नेचर। अच्छा तो आपके कहने का मतलब है कि इस कॉलेज में कोई प्ले श्ले नहीं होने वाला है? चेरी भैया यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ कोई प्ले होने वाला नहीं। देखिए ना ध्यान से। नहीं, देख लिया मैंने, मुझे दूर से दिखाई देता है। थैंक यू। वैसे बहुत अच्छा कॉलेज मिल गया तुमको, कांग्रेचुलेशंस। बस पूरी कोशिश करनी होगी कि किसी तरह ट्विंकल आंटी अंकल को पसंद करने लगे, और हाँ
अनीता आंटी और चेरी को हम पे शक हो गया, इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। ऐ बात तो तूने बिल्कुल ठीक कही है पुत्र, अनीता ने ना चंगी तरह जानती है, एक बार वो किसी चीज के पीछे हाथ धो के पड़ जाती है ना, फिर छोड़ती नहीं है वो। लेकिन पुत्र जो झूठा नाटक, जो भी खेल हम खेल रहे हैं, ये सब ठीक हो जाएगा ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना। नकली मेरे जो लंदन में बिजनेस एसोसिएट्स है ना, उनको ये फाइंड आउट करने के लिए कहा था कि आरटी की लाइफ में क्या हो रहा है एग्जैक्टली। ज्यादा कुछ तो पता नहीं चल पाया, एक साथ सामने आया है आरटी ने अपने बिजनेस पेपर्स पर स्टेटस में अपने आप को मैरिड डिक्लेयर। अरे क्या मम्मी जी, जब खबर खुद ब खुद आपके पास चल कर आ रही है तो लंदन फोन लगाने की क्या जरूरत थी हा? और वो आरती तो बोलते ही आ रहा है ना कि वो अपनी बेटी और बीबी के तलाश में यहाँ पर आया है। एग्जैक्टली, इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी बीवी और बच्चा इंडिया में खोए। तो वो इंडिया में शादीशुदा था, उसने लंदन में अपने आप को मैरिड क्यों बताया हो?